मकर संक्रांति का दौर चल रहा है और सबसे बड़ी बात है आज गोरखपुर में सुबह 4 बजे से लोग खिचड़ी चढ़ाने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग सुबह 4 बजे खिचड़ी चढ़ाएंगे, उसके बाद सभी लोगों के लिए खोल दिया जाए। लेकिन आस्था ऐसी कि लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में खिचड़ी चढ़ाने आ रहे हैं और यहाँ सुबह 4 बजे से लोग खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाएं यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस और प्रशासन के फोर्स लगाई गई है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य द्वारिका तिवारी है, आई जानते आज मंदिर में लोग काफी संख्या में खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, वैसे गोरखपुर में कल है, तो कैसी व्यवस्था है, क्या कहना है आपको? आप देख रहे हैं, पता है ऐसे की बात है, आज भारी संख्या में लोग गोरखनाथ मंदिर में चढ़ा रहे हैं, पुरुष और महिला सब लोग चढ़ा रहे खिचड़ी चढ़ा रहे। जनता है, परंपरा से यहाँ आती रहती है, 14 को भी आती है, परंपरा बहुत पहले से परंपरा बनी है खिचड़ी चढ़ाने की, 14 को चलता है, इस नदी 14 को आज भीड़ आ रही है, कल भी भारी संख्या में भीड़ आई। अच्छा, अगर बात करें श्रद्धालुओं में कितने बजे से यहाँ सुबह आ गए, और सबसे बड़ी बात है कहा जाता है दूर दूर से लोग, ये रात में ही जो है देहात के लोग रात में ही आ गए, जो हमारे धर्मशाला में अल्लाह निवास में पैटर्न के अंदर सब ठहरे हुए थे, और प्रातः से हम लोग देखे 3 बजे 2:30 बजे स्नान कर रहे थे, 2:30 बजे सब जगह स्नान करके जो है लाइन में खड़ा हो गए, और जब 4 बजे फाटक खुला है उस समय जो है भारी संख्या में लाइन में खड़ा हो गए, जो लोग जाके खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, तब से अनवरत एक खिचड़ी चल रही है, चढ़ा रही है। अच्छा, अगर बात करें महाराज जी कल खिचड़ी चढ़ाएंगे तो कल क्या क्या रहेगा, दिनचर्या कितने बजे से कैसे क्या? कल तो भोर से भी 4 बजे जो है, भोर से ही 4 बजे फाटक खुलेगा, उस समय से खिचड़ी चढ़ेगी, पूर्ण काल कल है, कल भी महाराज जी खिचड़ी चढ़ाएंगे। अच्छा, विधि विधान के द्वारा पूजा अर्चना करते लगभग 20 से आधा घंटा होता है पूजा, उसके बाद खिचड़ी क्या कुछ थोड़ा विस्तृत बताइए। विद्यालय के आचार्य लोग रहते हैं, मंत्र के द्वारा ये है, अगर परंपरा बनी हुई है महाराज गोरखनाथ जी के, महायोगी गोरखनाथ जी के अंदर जा करके वहाँ चढ़ाया जाता है, हमारे आचार्य लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनकी उपस्थिति में। अच्छा, अगर बात करें खिचड़ी का, महाराज के चढ़ाने के बाद नेपाल से खिचड़ी, उसमें तो क्या कुछ है? नेपाल का भी खिचड़ी आता है, भी चढ़ाया जाता है, कई वर्षों से चल रहा है, ये परंपरा आ रही है खिचड़ी चढ़ाने की, राजा की तरफ आता हुआ चढ़ता है। देखिए महाराज जी कल खिचड़ी चढ़ाएंगे, उसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कपाट खोल दिए जाएंगे, वो विधि विधान के द्वारा अपना आएंगे, पूजा अर्चना के बाद खिचड़ी चढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज 14 तारीख से ही खिचड़ी चढ़ना शुरू है, आप वीडियो द्वारा देखिए यहाँ लगभग एक तरह सैकड़ों संख्या में यहाँ से पूरी लाइन लगी है और लोग यहाँ खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। और अगर बात करें खिचड़ी आस्था ऐसी, लोग 4 बजे ही सुबह आ गए, हमारे साथ एक मंदिर के पुजारी हैं, वो हरदम महाराज जी का रुद्राभिषेक भी करते हैं, और उनसे जानते हैं कितना महत्व है खिचड़ी का, क्या कहना है? अब अगर खिचड़ी की बात करें कितना महत्व है, और कल खिचड़ी आज ही लोग गोरखपुर के लोग चढ़ा रहे हैं। देखिए गोरखपुर के नहीं चढ़ा रहे हैं, ये पूरा हिंदू जनमानस जो 14 तारीख को खिचड़ी चढ़ती थी उसी का एक, क्योंकि आज के पहले विगत साल के पहले जब भी खिचड़ी हुआ है 14 को ही हुआ, तो 14 तारीख होने के नाते लोगों के मन मस्तिष्क में 14 तारीख बसा हुआ है, और 14 के उपलक्ष्य में ये लोग, क्योंकि मकर संक्रांति संक्रांति के उसमें होता है, सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करते हैं तो उस पर वो तिथियां निर्धारित होती है। तो विगत वर्ष से सूर्य का जो आगमन हो रहा है वो 15 तारीख को हो रहा है, संक्रमण 15 को हो रहा है, यानी आज रात्रि में सूर्य का संक्रमण होगा, जिसका पूर्ण काल 15 तारीख को सुबह से प्रारंभ, ठीक है। अब पहले जो चलता था 13 को रात्रि में संक्रमण होता था, तो 14 को सुबह से पूर्ण काल होता, तो इसमें शास्त्रीय विधा है, ये परंपरागत लोग आ रहे हैं जो 14 को मानने वाले हैं वो 14 को आ रहे हैं, संक्रमण आज रात्रि में होनी है, पूर्ण काल सुबह से प्रारंभ होगा, तो ये तो हमारे यहाँ गोरखनाथ जी की परंपरा है, तो सवा माह तक खिचड़ी चलती है, ये तो आपके शिवरात्रि तक खिचड़ी यहाँ चढ़ेगी। अच्छा, अगर बात करें महाराज जी कब खिचड़ी चढ़ाएंगे, कितने बजे, कैसे कुछ करते हैं भाई? वो तो सनातन धर्म के पोषक हैं, रक्षक हैं, वो तो अपने शास्त्रीय विधा से ही खिचड़ी चढ़ाएंगे, कल यानी आज रात्रि में संक्रमण होगा, कल सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में
महाराज जी खिचड़ी चढ़ाएंगे, कल तो खिचड़ी चढ़ेगी महाराज जी। देखिए महाराज जी कल से पूरा विधि विधान की पूजा अर्चना के बाद लगभग आधे घंटे तक यहाँ मंदिर कपाट में पूजा करते हैं, उसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए कल से कपाट खुल जाएगा महाराज जी की पूजा के बाद। तो महाराज जी की पूजा के बाद नेपाल से पहली खिचड़ी आती है चढ़ती, उसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो अपना आए विधि विधान से पूजा अर्चना करे और दर्शन करे। अजीत सिंह, न्यूज 24 गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।